नमस्कार, आज हम विभिन्न डिजिटल रिसोर्सेज की बात करेंगे। अब ये आपके पेपर वन का एक नया टॉपिक है जो कि ऐड किया गया है सिलेबस में, तो इनमें ही कुछ चीज़ों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपटेल की। नेपटेल से आप लोग परिचित हैं ही, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एनहांस्ड लर्निंग, जिसमें आप ई लर्निंग की बात करते हैं मुख्यतः इंजीनियरिंग, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए। फिर आता है आपका वर्चुअल लैब, जिसमें वर्चुअल लैब्स की स्थापना की गई है जो रिमोट एक्सेसिबल एरियाज हैं जहाँ तक लैब्स नहीं है, मुख्यतः साइंस और इंजीनियरिंग के लिए इसकी स्थापना की गई है। स्पोकन ट्यूटोरियल मतलब टॉक टू अ टीचर, ये एक प्रोग्राम है जो कि आपका नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन के तहत लाया गया है, ICT अनेबल्ड है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप वर्बली टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला है CEC कंसोरेटोरियम ऑन एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिसमें कई सारी एमर्जिंग ICT टेक्नोलॉजीज़ पर बल दिया गया है। फिर ई यंत्र की हम बात करते हैं तो इसमें रोबोटिक्स को इंजीनियरिंग के साथ जोड़े जाने की बात की गई है। ई शोध सिंधु में बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को और दूसरी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को। फिर फोसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स काम में लिए जाते थे, तो उनको काम में लेना का जो एक्सपांस है वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता था, इसीलिए फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन लाया गया। इसके तहत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की बात की गई जो कि आसानी से सभी इंस्टीट्यूशंस में या सभी विश्वविद्यालयों में लाए जा सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट हम मानते हैं। अब दो टर्म्स हैं, ई पाठशाला और ई बस्ता। ई पाठशाला का मतलब है कि चाहे वो ऑडियो हो, विजुअल हो, टेक्स्ट बुक्स हो, प्रिंट नॉन प्रिंट किसी भी तरीके का मीडिया हो, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लाया जाएगा। ये MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NCERT का मिला जुला एक एफर्ट है। दूसरी तरफ है ई बस्ता, जिसमें सिर्फ बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लाया जाएगा, तो उसकी मुख्य विशेषता ये है कि वो टाइमली डिलीवर हो सकता है, पोर्टेबल है, उसमें एडिटिंग में कम समय लगता है, जल्दी व्यक्ति को पहुँचाया जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि आप वहीं पर मार्क कर सकते हैं। दूसरी तरफ ई पाठशाला में, जैसे हमने कहा, यहाँ पे पूरी की पूरी पाठशाला ही इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको डिजिटल टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, आपको ऑडियो विजुअल लर्निंग मिलेगा, सारे इवेंट्स की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रहेगी और बहुत सारे इंटरैक्टिव एनिमेशंस अवेलेबल रहेंगे। तो ये आपका ई पाठशाला और ई बस्ता हो गया। फिर सुगम्य पुस्तकालय एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि उन जनों के लिए है जिनको लो विजन या आँख की तकलीफ है या प्रिंट डिसेबिलिटी है। ये दिव्यांग डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है, सोशल जस्टिस और जो आपका एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, उसके मंत्रालय के अंडर में ये आता है। DZ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ इसको कोलैबोरेट किया गया है और TCS एक्सेस ने इसको एम्पावर किया है, तो ये सुगम्य पुस्तकालय एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मुख्यतः ब्लाइंड लोगों के लिए। फिर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की हम बात करते हैं, MHRD का इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन के तहत, जिसमें वर्चुअल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहाँ पर एक सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी होगी। मुख्यतः सारा एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा, लगभग 60 लर्निंग रिसोर्सेज से ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होंगे 70 अलग अलग भाषाओं में। सारे कंटेंट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा और इसको डेवलप IIT खड़गपुर द्वारा किया गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है। नक्शे पोर्टल, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, नक्शे यानी मैप्स, तो सर्वे ऑफ इंडिया जब से बना है 1767 से, तब से नेशनल मैप पॉलिसी 2005 जब तक आई है, उस सभी दौरान के सारे ही मैप्स जो कि ओपन सीरीज मैप्स हैं या टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, उनका डिजिटाइजेशन किया गया है और वो PDF फॉर्मेट में आपको आधार अनेबल्ड वेरिफिकेशन के द्वारा डाउनलोड के लिए अवेलेबल है 1:50,000 के स्केल पे। इसी के साथ एक नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 में जो आई थी, उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया है, जिसमें पब्लिक फंडिंग को यूज़ किया जाएगा। फिर ऑनलाइन लैब्स की हम बात करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि कोई भी फिजिकल लैब्स की स्थापना नहीं होगी, ज़रूरत नहीं है, सारी ही लैब्स ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स हो सकती हैं जो कि इंटरनेट के द्वारा होंगी। सिमुलेशन एनिमेशन के द्वारा इसमें कंटेंट समझाया जाएगा और मुख्यतः प्रोसीजरल और मैनिपुलेटिव स्किल्स को यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमने इस अध्याय में समझने की कोशिश की। आगे हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आएंगे, तो आप चैनल पर जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।